सिंगरौली में अन्नू कबाड़ी मोरवा से प्रताड़ित होकर निसार अहमद ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित निसार अहमद निवासी बेड़न ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि मोहम्मद हारून उर्फ अन्नू कबाड़ी ने हमारे पट्टे की 3 एकड़ जमीन को 85,000 प्रति डिसमिल क्रय करने हेतु 2 अप्रैल 2022 को इकरारनामा निष्पादित कराया था। एडवांस के तौर पर 6 लाख का चेक दिया था, लेकिन उसके खाते में पैसा न होने से एडवांस का पैसा चेक से नहीं मिल पाया, किंतु कुछ महीने बाद कई किश्तों में 6 लाख मोहम्मद हारून द्वारा दिया गया। उक्त भूमि का नापी कराने की जिम्मेदारी मोहम्मद हारून कबाड़ी का था। इकरारनामा में प्रार्थी द्वारा नापी कराए जाने हेतु लेख करा दिया था, जो तहसील न्यायालय में नापी का मामला विचाराधीन है, किंतु मोहम्मद हारून द्वारा बिना राशि दिए उक्त भूमि को रजिस्ट्री कराने का दबाव दिया जाने लगा। बेड़न कोतवाली थाने में फर्जी शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी वीरेंद्र त्रिपाठी ने फोन पर थाने में बुलाया, अश्लील गाली देते हुए थाने के अंदर कपड़ा उतरवा कर बैठा दिया और कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मामला है। उस समय पर मोहम्मद हारून कबाड़ी दरूद खान दोनों मौजूद थे। तब हारून ने बोला कि थाने में 10 लाख देना है। हारून ने प्रार्थी को थाने में बुलाकर एक थैला दिया। वो बोला कि इसमें 10 लाख रुपए है, इसे दरूद खान को दे दीजिए, वह पुलिसकर्मी वीरेंद्र त्रिपाठी को दे देंगे क्योंकि वह आपसे पैसा नहीं लेंगे। इसके बाद प्रार्थी को थाने से घर भेज दिया गया। इस तरह सभी द्वारा षड्यंत्र कर प्रार्थी को प्रताड़ित किया गया। वहीं आरोपी द्वारा बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। वह 6 लाख एडवांस और 10 लाख रुपए थाने से छुड़वाने की बात कहकर कुल 16 लाख रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही आरोपी ने कहा कि 4 दिन के अंदर हमें 16 लाख रुपए नहीं मिले तो जान से मार देंगे। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कहा कि एडवांस का 6 लाख लौटा देंगे, 10 लाख जो थाने में देने की बात कही जा रही है उसकी तहकीकात कराने के बाद देंगे। तब आरोपी मोहम्मद हारून झल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन बचाता है। बता दें कि पीड़ित काफी वृद्ध एवं अशुगर ब्लड प्रेशर का मरीज है। पीड़ित फरियादी के साथ अप्रिय घटना घटित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। फरियादी ने पुलिस कप्तान से निवेदन किया है कि जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। क्या नाम है और क्या कुछ हुआ है आपके साथ, यहाँ एसपी ऑफिस किस शिकायत को लेकर आए? निसार अहमद हमारा नाम है, बड़न में रहते हैं। वो हारून जो है, अन्नू हारून जो है, तो हमको बहुत परेशान किया है। एग्रीमेंट किया हमारी जमीन गलियारी के 6-3 एकड़ और 6 लाख रुपए जो है तो चेक दिया था, तो चेक भी नहीं भजा, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हमको पैसा दिया है और 10 लाख रुपए कहता है कि हम जो है तो थाने में दिए हैं, आपको छुड़ाए हैं, आप 376 किए हैं। अब वीरेंद्र त्रिपाठी जो है तो हमको बुला बुला के टॉर्चर करता है, कहता है कि तुम बलात्कार किए हो, तुमको अंदर करेंगे, हमारा कपड़ा उतरवा लिए थे और कहे कि हम अंदर करेंगे। तो अन्नू जो है, हारून जो है, तो कहा कि नहीं चचा, तुमको कुछ होने नहीं देंगे, हम छुड़ा लेंगे। तो फिर वो अपने पास से एक झोला में पैसा लाया कि का लाया है, बंधा झोला था, तो उसको जो है तो दरूद को दिया है, और दरूद जो है तो वीरेंद्र त्रिपाठी को दिए हैं कि किसको दिए हैं हमको मालूम नहीं है कि किसको दिए हैं, हमको छोड़ दिए हैं। आपके ऊपर जो 376 का आरोप लग रहा है, ये 376 का आरोप कौन लगा रहा है, क्या हुआ, क्या उसे कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है? वीरेंद्र त्रिपाठी लगा रहे हैं। कौन है ये वीरेंद्र त्रिपाठी? वो पुलिस के आदमी है। मतलब पुलिस वाले हैं? हाँ, पुलिस वाले हैं। कहाँ पदस्थ हैं? यही बड़न थाना में है। बड़न थाना पदस्थ है। क्या बोलते हैं वो आपको? वो कहते हैं कि 376 तुम किए हो कुद्दूस के साथ, हाँ। तुमको जो है तो उसी में अरेस्ट करेंगे, कुद्दूस अरेस्ट हो गया तो तुमको भी अरेस्ट करेंगे, नहीं तो पैसा दो। तो 10 लाख रुपए अन्नू जो है तो उनको कह के दिए हैं, और वो दरूद खान जो है करौटी के, वो पैसा ले जाके वीरेंद्र त्रिपाठी के पास दिए हैं कि किसको दिए हैं, वही पैसा लेके गए हैं, फिर हमको छोड़े हैं। एक दिन रात में बैठाए थे, फिर सुबह कहे कि हम छुड़ा लेंगे, सुबह पैसा जुगाड़ करके लाओ, तो हम कि हमारे पास नहीं है, तो अन्नू कहें कि हम देंगे, हम जमीन आपकी लेंगे तो हम छुड़ा लेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, कब से आपको पुलिस परेशान कर रही है? अगस्त से हमको परेशान कर रही है। तो ये अभी आप पहली बार इसकी शिकायत कर रहे हैं? हाँ, पहली बार शिकायत कर रहे हैं। तो क्या कुछ चाहते हैं आप इस मामले में? हम चाहते हैं कि हम जो बलात्कार किए नहीं है, जो गलत काम किए नहीं है, तो हमसे क्यों 10 लाख रुपए वसूला जा रहा है कर्जा को, बताओ हम कहाँ पाएंगे तो देंगे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम
उनसे अनुसे 6 लाख रुपए लेते जमीन के एग्रीमेंट किए हैं 3 एकड़ का, तो वही। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।